आशीष चड्ढा के मूवी को आने में बचे हुए पूरे 2 हफ्ते, तो आपको क्या लगता है मूवी हिट जाएगी या फिर फ्लॉप? ये फिल्म ऐसी है ना कि ये फिल्म सुपर हिट के साथ साथ ब्लॉकबस्टर जाने से इसको कोई रोक भी सकता है। चाहे उस दिन आप 100 फिल्में निकाल दो, लेकिन सिर्फ एक फिल्म में ब्लॉकबस्टर जाएगी जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। तो इसके साथ रक्षाबंधन में रिलीज की जा रही है, तो रक्षाबंधन का क्या हाल देखने को मिल रहा है आपके भारतीय सिनेमा घरों के आसपास? देखो मैं पर्सनली इसको देखने जाऊंगा, लेकिन मैं दोनों फिल्म लेकर के जाऊंगा देखने के लिए। और ये देखो फिल्मों का हफ्ता ऐसा चल रहा है ना, क्योंकि 2 साल से फिल्में रिलीज नहीं हुई, तो फ्लैश होना मामूली बात है। जैसे में देखना होगा कि कौन जीतता है, लेकिन मेरे हिसाब से लाल सिंह चड्ढा फाड़ के रखने की। लाल सिंह चड्ढा सुपर जाए, तो इसका रेटिंग कितना चाहिए लाल सिंह चड्ढा को? लाल सिंह चड्ढा को 10 out of 8 की रेटिंग देना चाहेंगे। 2 इसलिए काटेंगे क्योंकि मेरे को ना इसके जो इमोशनल टच थे थोड़ा ज्यादा इमोशनल कर दिया गया है, तो अच्छे ही लगे। और इसमें मतलब कि उसके आदिवी चंदन का डायरेक्शन कैसा लगा आपको? बाबा डायरेक्शन एक नंबर निकल कर सामने आया। हालांकि आदिवी चंदन का डायरेक्शन नहीं है इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि जो भी डायरेक्शन है वो आमिर खान का होगा। हाँ। आदिवी चंदन बस नाम का डायरेक्टर है। हाँ, तो डायरेक्शन मतलब उन्हीं के हिसाब से डायरेक्शन है, तो नाम का डायरेक्टर है या काम का डायरेक्टर? प्रोडक्शन से लेकर के फिल्म पूरी लाल सिंह चड्ढा यानी कि हमारे आमिर खान की। अब आमिर खान को आमिर खान नाम से नहीं लाल सिंह चड्ढा नाम से जाना जाएगा। जिसमें करीना कपूर खान की एक्टिंग कैसी लगी आपको? ट्रेलर टीजर गाने होने में कैसा लगा? देखो कोई भी चल रहा है आमिर खान के साथ। हाँ। ये किसी को भी पकड़ के लाते ना, वो दीपिका पादुकोण किसी को भी सब चल जाते। लेकिन अगर बात करें करीना कपूर तो चलो ठीक है, एक दो फिल्म बना चुकी है, इसके साथ तो फिल्म में ब्लॉकबस्टर जाना था। किसी का रिकॉर्ड तोड़ सकते? सब कह रहे हैं जंगल का रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो जंगल का रिकॉर्ड ऐसा है ना जो सदियों में सिर्फ एक बार बनता है। हाँ। अब इसमें आप तोड़ सकते हो RRR हो गई, KGF चैप्टर 2 हो गई, लेकिन दंगल की बराबरी करना बहुत बड़ी बात जाती है। तो दंगल भी तो इन्हीं की मूवी थी। तो दंगल अगर इन्हीं की मूवी थी वो मानता हूँ, लेकिन आमिर खान ऐसा आदमी है जो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रिकॉर्ड बनाने के लिए जानता है। तो अब देखना है कि लाल सिंह चड्ढा को इंडिया के साथ साथ विदेशों में कितना सपोर्ट मिलता है। तो इसमें नागा चैतन्या का करियर बन सकता है जिस जो एक्टिंग कर रहे हैं साउथ के हीरो। उसका करियर पहले से बना हुआ है, लेकिन बॉलीवुड में जो इसने हाथ आजमाया है बहुत सही एक्टर के साथ हाथ आजमाया है। और अब देखना यहाँ से बॉलीवुड में भी इसकी दौड़ चलेगी फिल्में, और ले देख के बात करें तो इसका करियर यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से बुलंदियों पर है, बहुत ही ज्यादा तरीके से बुलंदियों पर। तो फिर इसमें मतलब आप इस मूवी का पहले देखा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना जा सकता है आपके हिसाब से? पहले देखो मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताने से पहले एक बात बोल दूं, मैं यहाँ कोई पेड रिव्यूअर नहीं हूँ जैसा कि मतलब आमतौर पर लोग मेरे को समझ रहे होंगे, लेकिन बात करें इसका पहले इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो 50 करोड़ कहीं नहीं आ रहे। 50 करोड़ कहीं नहीं जा रहे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो मतलब इसकी पहले दिन की रेटिंग कितना जा सकता है? पहले दिन की रेटिंग मतलब मेरे हिसाब से जा सकती है वही 10 out of 8 की मैंने दी है जो भी। लेकिन अगर बात करें उन्होंने एवरेज लाइफ टाइम जाएगा 800 करोड़ ड्राइव टाइम। तो मतलब ये KGF चैप्टर 2 RRR सबका रिकॉर्ड तोड़ देगी? तोड़ सकती है, वर्ल्ड वाइड तो तोड़ी देगी, इंडिया का बढ़ता है वर्ल्ड वाइड तोड़ देगी। तो फिर चलिए साथ मिलते हैं, फिर मिलते हैं अपन थिएटर में जाएंगे, एक नंबर की फिल्म देखेंगे और दोनों रक्षाबंधन का भी रिव्यू देंगे आपको। चलिए थैंक यू सर। लाल सिंह चड्ढा को अब से रिलीज होने में बचे हैं पूरे के पूरे 10 दिन, तो क्या आपके नजदीकी सिनेमा घर में इसके प्रमोशन चल रहे हैं? पूरा प्रमोशन चल रहा है, मतलब इसके से ज्यादा रक्षाबंधन के प्रमोशन चल रहे हैं, लेकिन जिसका मतलब जिसका प्रमोशन नहीं चलता है उसको फिल्म चलती है। तो लाल सिंह चड्ढा सुपर हिट जाने वाली है। तो क्या लगता है कि रक्षाबंधन को कड़ी टक्कर दे पाएगी अपने पहले दिन का? रक्षाबंधन पहले दिन तो कड़ी टक्कर नहीं दे पाएगी, लेकिन दूसरे दिन बड़े दे सकती, क्योंकि पहले दिन तो सब लाल सिंह चड्ढा देखने जाएंगे, और दूसरे दिन ऐसा क्या रहेगा कि मतलब लाल सिंह चड्ढा सबने देख लिया, दूसरे दिन रक्षाबंधन। ऑन एन एवरेज पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है आपके हिसाब से? पहले दिन का इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जा सकता है तकरीबन 50 करोड़ के आसपास तक का आराम से। तो क्या लगता है कि इसके जो अद्वित चंदन डायरेक्टर हैं उन्होंने कैसा डायरेक्शन किया होगा, जैसा कि ट्रेलर में आपने देखा ही होगा? इसके डायरेक्शन तो बहुत बढ़िया करा, अद्वित चंदन का डायरेक्शन सुपर हिट है इसमें। तो अभी फिलहाल में सेंसर बोर्ड की तरफ से इसका पहला रिव्यू निकलकर सामने आया था, जिसमें सेंसर बोर्ड वाले ने साफ तौर पर कहा कि ये एक ऐसी इमोशनल फिल्म है जो कि साइड रिकॉर्ड तोड़ देने के लिए जानी जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि सेंसर बोर्ड ने यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से इसकी तारीफ की है या फिर कुछ कमी रह गई है तारीफों में? नहीं, तारीफों में पूरी की पूरी कमी रह गई, क्योंकि ये फिल्म जो है ना ये ब्लॉकबस्टर जाने वाली साल 2022 के दंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी लाल सिंह चड्ढा जो है। तो हेटर्स के मुंह पे ये कड़ा तमाचा होगा? बहुत ही बड़ा कड़ा तमाचा है, जैसे कि कुछ दिनों पहले ये सब लोगों ने मतलब इस फिल्म को बॉयकॉट करा था, मतलब ये फिल्म बॉयकॉट करने लायक तो बिल्कुल नहीं है, इसको सुपर हिट जाने वाली है, इसको देखेंगे तब पता चलेगा कितनी शानदार फिल्म है ये। तो इंडियन आर्मी की तरफ से जो इमोशनल टच दिया गया है इस शानदार फिल्म में, तो क्या लगता है कि ये फिल्म सुपर हिट जाएगी? सुपर हिट जाने वाली ब्लॉकबस्टर। आप कितनी रेटिंग देना चाहोगे 10 out of? फिल्म को 10 में से 10 की रेटिंग देना चाहेंगे। तो क्या लगता है कि लाल सिंह चड्ढा के ऊपर और भी जितनी फिल्में आ रही है जैसे एजेंट हो गई या रक्षाबंधन, तो क्या इस पर भारी पड़ सकती है? लाल सिंह चड्ढा को कोई टक्कर नहीं दे सकता है, लाल सिंह चड्ढा जो है ना मतलब वो इस साल की सुपर हिट मूवी है, मतलब उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता। एजेंट ये रक्षाबंधन सामने फ्लॉप है सब। तो करीना कपूर खान इसमें आप सभी को बहुत ही दिन बाद देखने को मिली है, तो ट्रेलर में इनकी झलक कैसी थी? ट्रेलर में इनकी झलक भी बढ़िया थी, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने एक्टिंग करी है इस मूवी में, और ये मतलब कि मूवी भी सुपर हिट जाएगी।
जो अभी हमारे सभी के बीच में चार गाने इसके रिलीज किए गए हैं, सबसे बेस्ट गाना आपको कौन सा लगा? तुर कल्याण या फिर ना ऐसी राहत आएगी या फिर इसका टाइटल सॉन्ग? नहीं, सबसे बढ़िया वो फिर ना ऐसी राहत आएगी। अच्छा, फिर मतलब क्या लगता है कि फिर ना ऐसा दिन भी आएगा, फिर ना ऐसी मूवी आएगी? अच्छा, ले देखे, कहने का मतलब यही है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर जाने वाली। अद्वित चंदन का डायरेक्शन के एक बार फिर से बताएंगे कैसा था? डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था उनका डायरेक्शन, मतलब इसमें मतलब इमोशनल टच, इंडियन आर्मी, हर चीज दी है, फीलिंग्स दी अपनी अपनी फीलिंग्स में, तो सब कुछ बढ़िया थी, विजुअल सीन सब कुछ बढ़िया था। तो कुछ कुछ इसकी जो सीन्स है वो यूक्रेन और रशिया के जगह भी सीन मतलब शूट की गई थी, तो क्या लगता है कि यूक्रेन रशिया बर्बाद हो गए तो क्या लाल सिंह चड्ढा ही बर्बाद हो सकती है? यूक्रेन रशिया बर्बाद हो गए, लाल सिंह चड्ढा सुपर हिट होगी, लाल सिंह चड्ढा सुपर हिट। तो उन्होंने अवराज, आपको क्या लगता है कि फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मतलब लाइफ टाइम कितना जा सकता है? फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जा सकता है 50 करोड़ के आसपास तक का, 50 करोड़ तो टच कर देगी पहले दिन ही अपने। और लाइफ टाइम? लाइफ टाइम दंगल का रिकॉर्ड जहाँ तक लग रहा है। अच्छा, मतलब दंगल का अनब्रेकेबल रिकॉर्ड अब टूटने वाला है? टूटने वाला है दंगल का रिकॉर्ड। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मतलब जो आमिर खान के सच्चे फैन है, वो ये कहते हैं कि आमिर खान रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं, रिकॉर्ड बनाने के लिए जाने आते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, तो ये रिकॉर्ड बनाएगी ना दंगल के बाद, ये रिकॉर्ड बनाएगी फिर उसको कोई तोड़ के उसको मतलब ऐसा ले देंगे। कहने का मतलब ये है कि सनी देओल के बाद बाप ऑफ बॉलीवुड यही निकल कर सामने, यही निकल के आएंगे, मतलब सनी देओल के बाद इन्हीं का मतलब रिकॉर्ड बनेंगे बस, मतलब फिल्म ब्लॉकबस्टर।